नमस्कार, हम गुरु नानक खालसा महाविद्यालय से NSS के विद्यार्थी 15 अगस्त के अवसर पे भारत देश की आज़ादी की 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा अपने भारत के सभी राज्यों में किस प्रकार आज़ादी मनाते हैं यह बताते हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में रखना। नमस्कार महाराज, आज़ादी मुबारक हो। यह दिन जम्मू कश्मीर के कुलगाम जगह पे बड़े ही शान और प्यार से गांव वाले मनाते हैं और पुलिस, राज्यपाल इनके हाथों अपना राष्ट्रीय ध्वज शेर ए कश्मीर मैदान जो श्रीनगर में स्थापित है वहां लहराया जाता है और उसी के साथ बड़े ही आनंद से वह गोलियों के शोर से अपनी आज़ादी व्यक्त करते हैं। नमस्ते जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस विजरेगल लॉज में मनाया जाता है। विजरेगल लॉज भारतीय वायसराय का ग्रीष्मकालीन निवास था। ब्रिटिश राजनेता जिन्होंने 1888 से 1946 के बीच पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। वायसराय लॉज के भीतर भारत के बारे में इस युग से कई महत्वपूर्ण निर्णय तैयार किए गए, चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई। सत श्री अकाल जी, स्वतंत्रता दिवस आदि विधाइयां। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य अपने स्वतंत्रता दिवस का जश्न अपनी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में मनाते हैं। दोनों राज्यों के ध्वज को फहराते हैं और फिर अपने पारंपरिक नृत्य भांगड़ा के साथ दिवस मनाते हैं। देशभक्ति के उत्साह और उल्लास के अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों और अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जाते हैं। नमस्ते, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी देहरादून के राजभवन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न होता है। ध्वजारोहण के पश्चात परेड ग्राउंड पर परेड के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नमस्ते, स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस एक उत्साही तरीके से मनाया जाता है। लखनऊ में विधानसभा भवन को तिरंगे में खूबसूरती से लिपटाया जाता है। अन्य सभी सरकारी भवनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया जाता है जो रात को एक बहुत ही मनमोहक रूप देती है। राष्ट्रीय महोत्सव के सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से पारित होने के लिए सुरक्षा जारी की जाती है। प्रणाम, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में स्वतंत्रता दिवस हजरल धर्मशाला में मनाया जाता है। पश्चिम चंपारण में हजरल धर्मशाला जहां महात्मा गांधी अपनी बिहार यात्रा के दौरान रुके थे, इसने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में एक भूमिका निभाई और आचार्य कृपालिनी, सरोजिनी नायडू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने दौर किया। आज आश्रम चंपारण में एक संरक्षित स्मारक के रूप में खड़ा है। नमस्ते, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस अन्य राष्ट्रों से पहले मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ के मंदिर हिंदू पंचांग के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाने की 3 दशक पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। मध्य प्रदेश की मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर को तिरंगे के रंग से सजाया जाता है। भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली है। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए हर साल श्रावण मास की चतुर्दशी को मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, अपने सकल के स्वाधीनता दिन शुभेच्छा। यह तो भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी प्राप्त हुई, लेकिन बंगाल को स्वतंत्र होने के लिए 3 दिन और लगे, इसलिए यहाँ के कुछ क्षेत्र 3 दिनों तक स्वतंत्रता दिन पालन करते हैं। बंगाल की संस्कृति में रविंद्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम जैसे महान कलाकारों के कारण गीत संगीत तथा नाच गाने का उल्लेख बहुत ज़्यादा है।
यहाँ स्वतंत्रता दिन के अवसर पर रेड रोड पे परेड भी निकाली जाती है। परेड की विशेषता यह है कि इसमें यहाँ के लोकप्रिय खेल फुटबॉल, बाउल संगीत, छौ नृत्य तथा नारी शक्ति और पर्यावरण रक्षा का संदेश भी दिया जाता है। नमस्ते, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 50 भाषाएं बोली जाती हैं। इस राज्य की खासियत यह है कि यह एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा भाषाओं वाला राज्य माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस लोग अपनी प्रथा, संस्कृति और कई तरह के नृत्य से मनाते हैं। आज़ादी से पहले की बात करें तो यह सन 1972 तक NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कहलाया गया। उसके बाद ठीक आज़ादी के 40 साल बाद यह भारत का राज्य घोषित किया गया। स्वतंत्रता दिन मुबारक। इम्फाल के साना कोनुम तथा रॉयल पैलेस में स्वतंत्रता दिन का समारोह आयोजित किया जाता है। 15 अगस्त की सुबह 7:10 पर मणिपुर का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जिसमें मल्टी योद्धाओं की पारंपरिक पोशाक के साथ सजी युवाओं के समूह द्वारा पारंपरिक सलामी दी जाती है। छिबाई, आज़ादी की 1940 मुबारक हो। मिजोरम के AR ग्राउंड ऐजवाल यहाँ मुख्य समारोह मनाया जाता है। वह अपने राष्ट्रीय ध्वज को फैला के परेड्स करके इस दिन के द्वारा वह यह दर्शाते हैं कि जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई है उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ उनका मुख्य खेल फुटबॉल बहुत ही प्यार और आदर से खेला जाता है। फुटबॉल की प्रतियोगिता आयोजित करके उनके कप को LG इंडिपेंडेंस कप यह नाम दिया गया है। फुटबॉल खेल के वह अपनी आज़ादी का झंडा लहराते हैं। नमस्ते, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे त्रिपुरा में अगरतला के आसाम राइफल ग्राउंड पर पूरे राज्य के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राज्य पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर परेड करते हैं तथा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस रा शुभेच्छा। ओडिशा की भाषा ओडिया है। ओडिशा के ब्रह्मपुर स्टेडियम में स्वतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। वहाँ पर परेड भी होती है। उस परेड में छात्र छात्राएं भी हिस्सा लेते हैं। नमस्कारम, स्वतंत्र दिनोत्सवम शुभकांक्षलु। तेलंगाना की भाषा तेलुगु है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद के गोलकंद किले में स्वतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। वहाँ पर परेड भी होती है। वन्नगम, इनिया सुतंत्रता दिना नलवाल तुक्कल। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस मरीना बीच रोड पे मनाया जाता है। मरीना बीच रोड चेन्नई के सबसे खुले स्थानों में से एक है। यहाँ गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाते हैं। ध्वजारोहण, परेड, सशस्त्र बल, पुलिस कमांडो फोर्स, नेशनल कैडेट्स, अन्य सैनिकों के नेतृत्व में किया जाता है। वहाँ देशभक्ति गीत, नृत्य, स्कीट और भाषण स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों को चित्रित करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री और ई गवर्नर द्वारा भाषण दिए जाते हैं। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री इडिप्पाडी के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के अन्य मंत्रियों ने राजभवन में पौधे लगाकर स्वतंत्रता दिवस को मनाया था। 2019 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने ध्वज को फहराकर और विभिन्न संस्कृति के नृत्य दर्शाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नमस्कार, एल्ला वर्कम स्वतंत्र दिन अश्चन सगल मेरनू। केरला सभी देशभक्तों के साथ अपने प्राचीन सार में स्वतंत्र दिन मनाता है। ब्रिटिशों के खिलाफ विभिन्न विरोध तत्कालीन दक्षिणी राज्यों जैसे त्रवणकोर, कोचीन और मालाबार में हुए हैं। ओडिशा में पैका विरोध 1817 में हुआ था, जिसे भारत में स्वतंत्र का पहला युद्ध माना जाएगा। नमस्कार, स्वतंत्र दिशाजी पर भी। जैसे जैसे भारत का स्वतंत्र दिवस करीब बढ़ता जाता है, गोवा भी उस दिन के लिए तैयार हो जाता है। 1961 में गोवा को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद गोवा में अभी भी स्वतंत्र दिवस को उत्साह के साथ मनाया जाता है। जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, गोवा अभी भी पुर्तगीज शासन में था। नवंबर 1961 में पोर्तुगीज ने भारत को उकसाया।
उन्होंने कारावार में अंजुनीम के पास एक स्टीमर को गोली मार दी, एक मछुआरे की हत्या कर दी और ग्रामीणों को भी बाहर निकालने और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने जवाहरलाल नेहरू पर जोर दिया कि बल प्रयोग का समय आ गया है। पूर्ण वायु और नौसेना समर्थन के साथ 30,000 सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया था और 48 घंटों से भी कम समय में गोवा को पुर्तगीज शासन से मुक्त कर दिया गया था। नमस्कार, स्वतंत्र दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। महाराष्ट्र में स्वतंत्र दिन के अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रध्वज फहराकर स्वतंत्र दिन मनाया जाता है। इस दिन कई जगह आजादी के जश्न मनाते नजर आते हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरीन ड्राइव इत्यादि। नमस्ते, स्वतंत्र दिनानी शुभकामनाएं। गुजरात में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए तरह तरह के नृत्य एवं संस्कृति को दर्शाया जाता है। गुजरात के पोरबंदर में हमारे बापू महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गुजरात में दर्शना सत्याग्रह, बिरदौली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जैसे कई आंदोलन आज़ादी के लिए किए गए थे। आज़ादी के ठीक बाद सन 1960 के 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और इस दिन को हम आज भी फाउंडेशन डे के नाम से मनाते हैं। नमस्ते, आप सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अंडमान और निकोबार द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। हिंदी और आदि भाषा भी बोली जाती है। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 के दिन तिरंगा लहराया था। ब्रिटिश सरकार को विरोध करने के अपराध में स्वतंत्र वीर सावरकर को 50 सालों के लिए यहां के सेलुलर जेल में कारावास दिया गया था। पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी, यहां पर बड़े जोरों शोरों से स्वतंत्रता दिन का उत्सव मनाया जाता है। इसमें परेड नहीं होती, लेकिन सांस्कृतिक नाच गाने तथा खेल और मेले का आयोजन किया जाता है। सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा, ऐसा देश मेरा, हाँ ऐसा देश मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सा